नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। अंतरप्रांतीय बाइक चोर गिरोह पकड़ाया, ऐतिहासिक कार्रवाई, 33 मोटरसाइकिलें बरामद। आपराधिक मामला दर्ज, एसपी अभिजीत रंजन ने किया ऐतिहासिक कार्रवाई का खुलासा। सिंगरौली मोरवा क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरियों की पड़ताल में जुटी मोरवा पुलिस को ऐतिहासिक सफलता मिली है। आरोपियों को अलग अलग ठिकानों से उठाते हुए पुलिस टीम ने 19,40,000 कीमती 33 मोटरसाइकिलें व 5 आरोपियों को बरगवा मोरवा शक्तिनगर एवं अंतरा ओबरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। एसपी अभिजीत रंजन ने मोरवा थाना परिषद में पत्रकारों से कार्यवाही का खुलासा करते हुए बताया कि टीआई नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा की जा रही बाइक चोरियों की पड़ताल के दौरान सघन छानबीन में आरोपी चितरंगी सिपाही लाल सिंह सेवालाल साकेत निवासी कतरी हाल को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार करते हुए धारा 414 401 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी गढ़ ओबरा अनपरा शक्तिनगर से मोटरसाइकिल चोरी कर आसपास के लोगों को सस्ते दर पर बेच रहे थे। इस कार्यवाही में सब इंस्पेक्टर संदीप नामदेव शीतला यादव सरनाम सी ASI साहबलाल सी प्रजा राजवर्धन सी राजेश शुक्ला जयराम गुप्ता आरक्षक नरेंद्र यादव रवि दत्त पांडे विक्रम सिंह शामिल रहे। पेशे सिंगरौली से गोविंद शाह की एक खास रिपोर्ट। प्रयास के करीब दिनांक 22/1/2020 को मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में जब तलाशी की जा रही थी तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दासाराम सिंह गौड और रमा शंकर सिंह इनके पास चोरी के मोटरसाइकिल। पुलिस के द्वारा जब इनको अपनी गिरफ्त में लिया गया और इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके पास से न केवल मोटरसाइकिल बरामद हुई बल्कि दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा, राम लल्लू सिंह गौड़ और सिपाही लाल सिंह गौड़। ये सभी मोरवा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और एक व्यक्ति इसमें से जो है वो चितरंगी का रहने वाला है, राम लल्लू सिंह।